नमस्कार साथियों, आज हम पंडित विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है इसके प्रतिपाद्य और इसकी समीक्षा करेंगे। प्रस्तुत निबंध पंडित विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध संग्रह मेरे राम का मुकुट भीग रहा है इसमें संकलित है। निबंध का नाम भी यही है और निबंध संग्रह का भी यही नाम है और यह निबंध संग्रह 1974 में प्रकाशित हुआ। ललित निबंधकारों की श्रेणी में पंडित विद्यानिवास मिश्र का अपना एक विशेष स्थान है। वे अपने निबंधों में अपनी वैयक्तिकता के कारण, अपने जीवन के अनुभवों के कारण और लोक संपृक्ति के कारण एक विशेष पहचान बनाते हैं। प्रस्तुत निबंध में भी उन्होंने इसी प्रकार अपने जीवन के एक विशेष अनुभव को, एक जीवन के विशेष प्रसंग को लेकर इस निबंध की रचना की है। ललित निबंध का उद्देश्य ही यही होता है, उसका मूल यही होता है कि वो किसी एक प्रसंग को, जीवन के एक प्रसंग को या एक घटना विशेष को आधार बनाकर निबंध की रचना करता है। और इस निबंध में लेखक ने अपने ही जीवन के एक प्रसंग को आधार बनाया है। निबंध का प्रारंभ होता है लेखक की उदास मनस्थिति से। लेखक उदास है, उदासी का कारण समझ में नहीं आता, तभी वे सोचता है कि कई बार बहुत बड़े बड़े कारण होते हैं तब भी परेशानी नहीं इतनी होती, उनको हम आराम से झेल जाते हैं, और कई बार बहुत छोटा सा भी कारण हो तो वो बहुत बड़ी उदासी का कारण बन जाता है। इस निबंध में भी फिर लेखक आगे ये विचार करता है कि क्या ऐसा प्रसंग है, तो वहाँ वे उस प्रसंग की बात करते हैं। लेखक के घर में उनका एक मित्र संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए जाना चाहता है और वे इनका बेटा और बेटे के एक मित्र, महिला मित्र जो दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज में पढ़ाती है, इनके घर में आई हुई थी, वे भी इस संगीत के कार्यक्रम को सुनने के लिए जाना चाहते हैं और लेखक भेजने की अनुमति नहीं देना चाहता क्योंकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, पर बच्चों का मन देखते हुए वे उन्हें जाने की अनुमति दे देता है और इस तरह से वे तीनों संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए चले जाते हैं। रात के 9 बजे वो गए हैं संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए और 12 बज जाते हैं, वे लौट कर नहीं आते। अब लेखक को चिंता होने लगती है, उनकी पत्नी को चिंता होने लगती है, तो उनकी पत्नी बड़ी व्याकुल हो जाती है और वे बार बार पूछती है कि अभी नहीं आए, तो वे अपनी पत्नी को तो ये कहकर समझा कर रोक देते हैं कि संगीत के कार्यक्रम में गए हैं, मन संगीत में जब मन लग जाता है तो समय का ध्यान ही नहीं रहता और आ जाएंगे, और ये कहकर वे अपनी पत्नी को तो आश्वस्त कर देते हैं। और इतने में बरसात शुरू हो जाती है और ये छत पर सो रहे थे और वहाँ से नीचे बरामदे में आ जाते हैं और बरामदे में आकर के बार बार फाटक की ओर देखने लगते हैं, मन व्याकुल हो जाता है कि वे अभी तक लौट करके नहीं आए और वहीं एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं और विचार करने लगते हैं। और वहीं उन्हें एक अपनी दादी नानी के द्वारा गाया गया लोकगीत याद आता है। उस लोकगीत की पंक्तियाँ थी, मोरे राम का भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे से नुरवा, ता राम घर लौटही। क्या अर्थ है मित्रों इसका, कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, लक्ष्मण का पटुकवा दुपट्टा उसका वस्त्र वह भीग रहा है, सीता क्या सिनुरवा सिंदूर भीग रहा, राम घर लौट के आ जाए। तो इस तरह से ये दादी नानी का गाया हुआ ये लोकगीत जो गांवों में अक्सर शादी ब्याह में, किसी भी मंगल उत्सव में बच्चे के जन्म के समय पर गाया जाता है, और ये गीत की पंक्तियां याद आ जाती हैं और उन्हें हंसी भी आ जाती है,
और तब उन्हें याद आता है कि जब वे विदेश जाते थे तो उनकी दादी नानी इसी तरह से यही गीत गाया करती थी, और जब लौट के आए तो उनकी दादी कहती है, मोरे लाल को ऐसा वनवास मिला था, तो मेरे लाल वनवास भोग के आए हैं। तो उस समय लेखक उनकी वे चिंता नहीं समझता है, वे हंसकर टाल देता है। पर आज जब उसकी अपनी संतान बाहर गई हुई है और वह उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और व्याकुल हैं, तो आज उन्हें समझ में आता है अपनी दादी नानी की, अपने माता पिता की, बड़े बुजुर्गों की चिंता। और यही वे विचार करते हैं कि जो पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी है, वे अपनी पिछली पीढ़ी की चिंता को, उनकी कष्ट को नहीं समझ पाती है। जब वे स्वयं माता पिता बनते हैं तभी वे अपनी संतान के बारे में जब चिंता करते हैं तब अपने माता पिता की उसी परेशानी को समझते हैं, जैसे लेखक को आज समझ में आया। और वहीं पर वह फिर याद करते हैं कौशल्या की स्थिति को, कि जब राम को वनवास मिला तो माता कौशल्या किस तरह से चिंताग्रस्त रही होगी। कहाँ एक और राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था, कहाँ उन्हें मुकुट पहनाया गया, राजसी वेश धारण करवाए गए, और कहाँ उनको निर्वासन प्राप्त हो जाता है, और वह सब कुछ त्याग करके, राजसी वेशभूषा तैयार छोड़ करके, राजसी रथ को त्याग करके, सब कुछ त्याग करके और वन चले जाते हैं। परंतु उनका वे जो मुकुट था वह अयोध्या वासियों के मन में, कौशल्या के मन में प्रतिष्ठित हो जाता है, वह मुकुट रह जाता है। तो राम और सीता वन चले गए, उनके जाने से अयोध्या वीरान हो जाती है, अयोध्या सूनी हो जाती है, वहाँ बिल्कुल शमशान का दृश्य हो जाता है, वृक्ष, नदियाँ, पहाड़ सब मुरझा जाते हैं। और यहीं पर फिर राम लौट करके वापस आ गए, अयोध्या आ जाते हैं, उनका राज्याभिषेक हो जाता है, परंतु सीता का पुनः वनवास हो जाता है, सीता का पुनः घर छोड़कर जाना पड़ता है, और वे भी गर्भावस्था में। और ऐसी स्थिति में सीता वन वन की ठोकरें खाती है, और संतान होने वाली है, वे सोचती है मन में कि जब उनकी बच्चा होगा तो कौन गीत, मंगल गीत गाएगा, कौन उनकी प्रसव वेदना के समय उनके पास रहेगा। और जब उनकी दो संतानें, जुड़वा बच्चे होते हैं, और वह एक और उन संतान के प्रति ममता के भाव से भर जाती है और अपने कर्तव्य को ध्यान करती है, और दूसरी ओर निराशा का भाव भी उसे बार बार घेर लेता है। तो ऐसी स्थिति में सीता तो वन में रहे, राम राज्याभिषेक होने के बाद अयोध्या में रहते हुए भी, राजसी सुखों में रहते हुए भी वनवास की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। सीता की जो पीड़ा है वे उन्हें अपने भीतर ही सालती रहती है। तो इसी उधेड़ बुन में, इसी सोच में लेखक खोए हुए थे। और फिर उन्हें याद आता है कि हर माँ कौशल्या है, यहाँ कौशल्या की एक सार्वभौम रूप में उसको चित्रित किया गया है, कि हर वे माता जिसका बच्चा विदेश चला गया है, जो प्रवास कर गया है, चाहे वे अब किसी दूसरे राज्य में पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए या किसी अन्य काम के लिए चला गया है, तो उसकी माता कैसे रो रही है, बिसूर रही है, अपनी संतान के लिए चिंताग्रस्त हो रही है। तो ये चिंता कर रहे थे, विचार कर रहे थे, और करते करते 4 बज जाते हैं, और सुबह 4 बजे दस्तक होती है, उनका बेटा और वे मेहमान लड़की घर लौट करके आते हैं, और ये उनको और कुछ नहीं कहते, बस इतना कहते हैं कि मेरी परेशानी का तो तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा, भोजन दूध तो किसी ने रात को छुआ भी नहीं है। और ये कह, वो बच्चे अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, और ये भी सोने का उपक्रम करते हैं। और फिर जब लेटते हैं तो पुनः उन्हीं विचारों में खो जाते हैं, उसी तरह से फिर उसी उधेड़ बुन में लग जाते हैं, कि राम भीगे तो भीगे पर उनका मुकुट ना भीगे, लक्ष्मण भीगे तो भीगे
पर लक्ष्मण का दुपट्टा, जो एक जागरूक प्रहरी का प्रतीक है, वह ना भीगे। राम का मुकुट एक प्रतिष्ठा का, उत्कर्ष का प्रतीक है, ऐश्वर्य का प्रतीक है, मोह के बंधन का प्रतीक है, वह ना भीगे। सीता का सिंदूर ना भीगे। सीता का सिंदूर अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। तो इस तरह से लेखक इसी विचारधन में खोया रहता है और वे उस लोक जीवन की स्थिति को, राम और सीता की स्थिति को वर्तमान के साथ, सामयिक संदर्भों के साथ जोड़ता है और उसके साथ बार बार यही चिंतन करता है, लोक जीवन और ग्रामीण जीवन, नागरिक जीवन, इनके अंतर की ओर विचार करता है। तो इस तरह से मित्रों, अभी हमने इस निबंध की सार की चर्चा की। अब हम बात करेंगे इस निबंध की मूल विशेषताओं की, उसकी मूल संवेदना की। निबंध के माध्यम से लेखक किन किन बिंदुओं पर विचार करते हैं। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने दो पीढ़ियों के अंतराल का जो द्वंद्व है उसको चित्रित किया है। वर्तमान पीढ़ी और बड़े बुजुर्ग, जो भावी अतीत की पीढ़ी है, जो जनरेशन गैप आ गया है, उसकी ओर लेखक ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि दो पीढ़ियों में कैसे द्वंद्व बना रहता है। जो प्राचीन पीढ़ी है, वे अपनी संतान के भावी संकट को लेकर के एक चिंताग्रस्त रहती है और वर्तमान पीढ़ी उसकी उस चिंता को समझ नहीं सकती। तो ये जो दो पीढ़ियों की सोच का अंतर है और उन दो पीढ़ियों के बीच जो द्वंद्व की स्थिति है, उसका चित्रण किया है। लेखक का कथन है, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती और पिछली अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना से उद्विग्न हो जाती है। मन में यह प्रतीति कि अब संतान समर्थ है, बड़े से बड़ा संकट झेल लेगी। तो जो पुरानी पीढ़ी है, वे अपनी चिंता से, संतान की सुरक्षा की चिंता से मुक्त नहीं हो सकती और नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की इस सुरक्षा की भावना को नहीं समझ सकती। तो ये दोनों का एक द्वंद्व, ये नहीं कि आज ही ये स्थिति है, ये सदियों से चला आ रहा है और लेखक इसकी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। वर्तमान समाज की अराजकतापूर्ण स्थिति में जो असुरक्षा का संकट है और उसके कारण लेखक जो अपराध बोध महसूस करता है, वे भी इस निबंध में चित्रित किया गया है। देश स्वतंत्र हो गया, 47 में स्वतंत्र हुआ, 74 में ये निबंध का प्रकाशन हुआ और इतने आज़ादी के बाद भी समाज में स्त्रियां सुरक्षित नहीं हैं। वे अगर रात के समय घर से निकलती हैं तो माता पिता के लिए चिंतित हो जाना एक स्वाभाविक है। वे उनके विषय में एक असुरक्षा की भावना महसूस करते हैं और चिंतित हो जाते हैं। और लेखक के घर में भी मेहमान लड़की आई है, एक तो अतिथि है और दूसरा वो लड़की है, तो उसके प्रति दायित्व और अधिक बढ़ जाता है। अब लेखक को ये अपराध बोध होने लगता है कि मैंने उनको जाने ही क्यों दिया, मुझे मना कर देना चाहिए था, या जाने देने के लिए कहना था तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी करनी चाहिए थी। लेखक कहते हैं, लड़की का ख्याल आते ही दुश्चिंता होती, गली में जाने कैसे तत्व रहते हैं, लौटते समय कहीं कुछ ना हो गया हो और अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जाग जाता, मुझे रोकना चाहिए था या कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी, पराई लड़की घर आई कहीं कुछ हो ना जाए। तो ये जो पुरानी पीढ़ी की संतान को लेकर एक जो चिंता का भाव है और संतान के प्रति एक सुरक्षा का भाव है, वह पुरानी पीढ़ी को चिंताग्रस्त करती है। चाहे नई पीढ़ी कितनी क्षमता से युक्त हो, कितनी सामर्थ्य से युक्त हो,
पर पुरानी पीढ़ी उनके संकट उनके कष्ट को लेकर के एक चिंता की स्थिति में रहती ही है। तो और फिर जब लेखक वर्तमान को अतीत के साथ जोड़ता है, जब वो अपने परंपरा के साथ जोड़ता है, राम सीता के कथा के साथ जोड़ता है, राम के वनवास के साथ जोड़ता है, तो कौशल्या की जो मनस्थिति थी उसको वो याद करता है और फिर वो कहता है कि कौशल्या की माता के रूप में अपनी संतान के प्रति जो चिंता थी वे कितनी जायज़ थी। कौशल्या जो है वो आज एक सार्वभौम माता है। कौशल्या की चिंता आज हर उस माता की चिंता है जिसके बच्चा विदेश गया हुआ है। और फिर लेखक कहता है, सोचते सोचते लगा कि इस देश की ही नहीं पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो हर बारिश में बिसूर रही है। कि जब मौसम ऐसा होता है, जब वातावरण भयावह हो जाता है, बरसात होने लगती है, तो हर माता को अपने बाहर गए हुए प्रवासी बच्चे की चिंता होनी स्वाभाविक ही है। जो चिंता कौशल्या को राम के लिए होती थी वह चिंता हर माँ के लिए। तो हर कौशल्या या कौशल्याओं शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ कौशल्या एक व्यक्तिवाचक शब्द ना होकर जातिवाचक शब्द बन गया है। हर उस माता का प्रतीक बन गया है जिसका बच्चा बाहर चला गया है और माँ उसके अनिष्ट की चिंता करके, अनिष्ट की संभावना करते हुए चिंतित हो रही है। इस निबंध के माध्यम से लेखक ये भी बतलाना चाहते हैं कि वर्तमान पीढ़ी को यह समझाना कि उनको लेकर पिछली पीढ़ी कितनी संवेदनशील है और हर स्थिति में उनके मंगल की कामना करती है। तो ये जो पीढ़ियों के अंतराल का जो सोच है उसको दर्शाना लेखक का उद्देश्य रहा। इसके साथ ही पंडित विद्यानिवास मिश्र की भारतीय संस्कृति के प्रति एक गहरा लगाव रहा है। प्राचीन संस्कृति को आस्था से जोड़कर नवीन अर्थ प्रदान करने का वे हमेशा प्रयास करते रहे हैं और अपने निबंधों के माध्यम से वे परंपरा को आधुनिकता से जोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे लोक जीवन में जो लोक गीत प्रस्तुत है, अब इस निबंध का भी आधार वही लोक गीत की पंक्तियां हैं और वही केंद्रीय बिंदु है जो पूरे निबंध में लेखक के मन में मनस्थिति में बेचैन उसे बेचैन करता रहता है। और इसके साथ ही लेखक समाज में परंपराओं के प्रति जो एक अविश्वास भाव उत्पन्न हो रहा है उसको लेकर चिंता प्रकट करते हैं कि जो हमारी परंपराएं हैं ये हमारे वर्तमान की जन्मदात्री हैं। वर्तमान को बनाने का कार्य ये परंपरा ही करती है। जो वर्तमान है यही आगे चल करके परंपरा का रूप धारण कर लेता है और इस तरह से भविष्य वर्तमान में परिवर्तित हो जाता है और वर्तमान उस अतीत के रूप में परंपरा का रूप धारण कर लेता है। फिर वह राम का वनवास को लेकर के कथन कहते हैं कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की मनुष्य की ऊर्ध्वोन्मुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही है। इसलिए जब कीमत अदा कर ही दी गई तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे, यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है। राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीगे, वे हर बारिश में हर दुर्दिन में सुरक्षित रहें। यहाँ लेखक स्पष्ट कर देते हैं कि हमेशा व्यक्ति जब अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए प्रयासरत रहता है, जब उसकी उच्च आकांक्षाएं होती हैं या जब वे उत्कर्ष के लिए प्रयासरत रहता है तो उसे उसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। और ये आज की ही स्थिति नहीं है, ऐसा सदियों से होता आया है। कहाँ राम राज्याभिषेक के लिए तैयार थे और कहाँ उन्हें निर्वासन प्राप्त हुआ।
राम भीगे तो भीगे, राम का निर्वासन हो तो हो, पर जो उत्कर्ष है उसकी कल्पना ना भीगे, कि संघर्षों के आने पर, विपरीत परिस्थितियों के आने पर, प्रतिकूल वातावरण होने पर भी मनुष्य के अंदर जो एक उत्कर्ष की भावना है, उन्नति का भाव है, वे न समाप्त हो, उसके मन में निराशा का भाव घर ना करे। उसके जीवन में संघर्ष आएंगे, विपरीत परिस्थितियां होंगी, परंतु वह इन परिस्थितियों से घबराए नहीं, अपितु अपने उत्कर्ष के लिए, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। इसी तरह से परंपरा के साथ आधुनिकता का समर्थन भी पंडित विद्यानिवास मिश्र करते हैं, पर उसको साहित्य के संदर्भों से प्रमाणित भी करते हैं। साहित्य में उससे संबंधित जो उद्धरण मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, उनसे वे अपनी बात को पुष्ट करते हुए चलते हैं कि परंपराएं आधुनिकता की जन्मदात्री हैं। वे स्पष्ट कहते हैं, मेरी संतान ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है, उसका मुकुट, उसका ऐश्वर्य भीग रहा है। मेरे राम कब घर लौटेंगे? मेरे राम के सेवक का दुबट्टा भीग रहा है, पहरुए का कमरबंद भीग रहा है, उसका जागरण भीग रहा है, सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है, मैं कैसे धीरज धरूं? मनुष्य की इस सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठा। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। यहाँ मित्रों, विद्यानिवास जी ये कहना चाहते हैं कि जीवन में सुख और दुख, आशा और निराशा, ये साथ साथ चलते हैं, सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। ऐश्वर्य और निर्वासन, ये सुख और दुख जीवन की आशा और निराशा के प्रतीक हैं। तो ये चलते रहे हैं, चलते रहेंगे, तो इसलिए इनसे घबरा जाना या अपने जीवन से मुंह मोड़ लेना या अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लेना, यह उचित नहीं है। और इसके लिए वे साहित्य से उदाहरण भी देते हैं, मानस के उदाहरण से अपनी बात की पुष्टि करते हैं, भभूति के उत्तर रामचरित से उदाहरण दे करके पुष्टि करते हैं कि आज भी रामलीला जब प्रारंभ होती है तो पहले राम के मुकुट की पूजा की जाती है, आज भी वन को सत अवध समाना कहा जाता है। तो इस तरह से केवल कष्टों को देखकर, केवल संकटों को देखकर घबराना नहीं चाहिए, अपितु अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से एक आश्वासन लेना चाहिए, एक अपनी परंपरा से संबल लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। मिश्र जी लोकोन्मुख भारतीय चेतना के निबंधकार रहे हैं। उनके सभी निबंधों में लोक जीवन की एक झांकी बड़े व्यापक रूप में और सजीव रूप में प्रस्तुत हुई है, और ये निबंध भी उनका भारतीय लोक संस्कृति पर आधारित निबंध है। भारतीय लोक संस्कृति राम से जुड़ी घटनाओं, परिस्थितियों से अपने को परिपुष्ट करती है। तो वर्तमान में भी जब भी ऐसी स्थिति आती है तो हम उदाहरण में राम का संदर्भ देखते हैं, कृष्ण का संदर्भ देखते हैं। तो इस तरह से राम का मुकुट उत्कर्ष का, ऐश्वर्य का प्रतीक है, मोह एवं प्रेम के बंधन का प्रतीक है, लोगों के मन में जो विश्वास है वह ना मिट ना पाए, इसका प्रतीक है। इस तरह से मिश्र जी लोकोन्मुखी चेतना के भारतीय लेखक हैं। इनका संपूर्ण चिंतन लोक को समर्पित था, लोक की वेदना को लोक जीवन के उदाहरणों से ही वे जीवंत करते हुए आगे बढ़ते हैं, और उनके सभी निबंध उनके अपने व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित रहे हैं। लेखक ने प्रकारांतर से नागर जीवन और लोक जीवन की मूल भावना की ओर संकेत करते हुए दोनों की संस्कृतियों का साक्षात चित्रण किया है। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने
पंडित राम विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित ललित निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है उसके सारांश और उस निबंध की मूल संवेदना पर चर्चा की। धन्यवाद।